हेलो बच्चों, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे दो बिल्लियों का झगड़ा। दो बिल्लियां एक रोटी का टुकड़ा चुरा लाईं और अपने अपने भाग के लिए झगड़ने लगीं। दोनों बंटवारे के लिए बंदर के पास गईं। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए तथा तराजू में दोनों ओर एक एक टुकड़ा डाला। जिस ओर से पलड़ा भारी होता, बंदर उसी ओर से बड़ा सा टुकड़ा काटकर खा जाता। इस प्रकार करते रहने से अंत में तराजू में एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। बंदर उसे भी यह कहते हुए खा गया कि यह तो मेरे श्रम का फल है, और भाग गया। बिल्लियां निराश होकर लौट गईं। इस कहानी से बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि झगड़ने से सदैव निराशा ही प्राप्त होती है, अतः आपस में हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमेशा निराशा ही प्राप्त